अगर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात की जाए तो हमारे सामने एलन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी जैसी हस्तियों की छवि नजर आती है और हमें लगता है कि इतिहास में इनसे ज़्यादा कोई अमीर व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा भी राजा पैदा हुआ है जिसकी दौलत आज के अमीरों की दौलत से कई गुना ज़्यादा थी। वो जिस शहर से गुजरता था उसे अमीर कर देता था, जिसकी बेशुमार दौलत का अनुमान लगा पाना असंभव था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के एक दौलतमंद राजा मूसा कीट प्रथम की, जिसे इतिहास में मनसा मूसा के नाम से जाना जाता है। मनसा मूसा का जन्म 1280 में वर्तमान समय के टिम्बकटू अफ्रीका देश के एक माली शहर में हुआ, जब पूरी दुनिया में नमक और सोने की कीमत आसमान छू रही थी। उस समय मूसा ने माली की सल्तनत पर हुकूमत की। आज के अफ्रीकी देश मोरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, चांड, नाइजीरिया जैसे तमाम भूभाग पर मूसा की हुकूमत थी और इन्हीं स्थानों से दुनिया का 50% सोना और नमक मौजूद था। शायद यही वजह रही होगी मूसा की दौलत के पीछे। 1312 ईस्वी में मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। मूसा से जुड़ी हुई एक कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। यह बात है 1324 ईस्वी की, जब मनसा मूसा मक्का की हज यात्रा पर निकले थे। इस हज यात्रा में उनके साथ तकरीबन 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें से 12,000 उसके अनुयायी थे। इसके अलावा मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का एक काफिला था और सबके हाथ में सोने की एक छड़ी थी। मनसा मूसा के इस काफिले में 80 ऊँटों का एक जत्था भी रहता था और प्रत्येक ऊँट पर 136 किलो सोना लदा रहता था। जब वो मिस्र की राजधानी काहिर से गुजरे तो वहाँ गरीबों को दान के रूप में इतना सोना दे दिया, जिससे मिस्र के बड़े बड़े सेठ साहूकारों का सोने का व्यापार ठप हो गया और मिस्र में मुद्रा का संकट गहरा गया। इस संकट को दूर करने में मिस्र को तकरीबन 1 साल का समय लग गया था। मूसा की संपत्ति के बारे में अमेरिका की एक वेबसाइट ने अंदाजा लगाया है। उसके आकलन के मुताबिक आज के हिसाब से मूसा की दौलत तकरीबन 400 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान 2022 में जहां दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति 219 अरब अमेरिकी डॉलर है, वहीं 700 साल पहले मनसा मूसा की दौलत 400 अरब अमेरिकी डॉलर थी। अगर उस समय की संपत्ति की तुलना आज के समय से की जाए तो मनसा मूसा की दौलत सैकड़ों गुना ज़्यादा होगी एलन मस्क के कंपेयर में। मूसा का शासनकाल 1280 से 1337 तक रहा और 57 साल की उम्र में मूसा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राज्यभार उसके पुत्रों ने संभाला, जो दौलत की रक्षा करने में असफल रहे और राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। अफ्रीका का माली राज्य जो मूसा के समय दुनिया का सबसे अमीर देश था, वो वर्तमान में दुनिया के सबसे गरीब लिस्ट में आता है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है मनसा मूसा की संपत्ति के बारे में, नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।